में आयोजित G20 समिट कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। आतंक, पाकिस्तान और एनएसजी के मुद्दे पर हुई बात। G20 समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले राष्ट्रपति जिनपिंग, कहा मुश्किल से बने रिश्ते बिगड़ने नहीं देंगे, आतंकवाद पर अंकुश लगाने की बनाई गई नीति। चीन में बोले मोदी, सिर्फ बातचीत से नहीं चलेगा काम, सामूहिक लक्ष्य के एजेंडे पर आगे बढ़ने की जरूरत, आतंक पर एकजुट नहीं हुए तो व्यापार निवेश सब हो जाएगा खत्म। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ श्रीनगर पहुंचे सर्वदलीय टीम के नेताओं से नहीं मिले अलगाववादी। गिलानी समर्थकों ने की नारेबाजी, अपने दो दिन के दौरे में अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे सांसद। आजमगढ़ के बाद इलाहाबाद में बीएसपी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रैली, एसपी पर निकाली भड़ास, कहा जाति विशेष के लिए काम कर रही है प्रदेश सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्या ने बीएसपी की इलाहाबाद रैली को फ्लॉप बताया, कहा नमो नमो से घबराने लगी है मायावती, रैली में किराए पर बुलाए गए थे लोग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या ने एसपी और बीएसपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में नहीं चलेगा बुआ और भतीजे के दबंगों का राज। यूपी की सियासत में हुई छोटे आजम खान की एंट्री, रामपुर की स्वार सीट से बेटे अब्दुल्ला खान को चुनाव लड़वाना चाहते हैं कैबिनेट मंत्री आजम खान। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का चुनावी एजेंडा तैयार, 8 से 13 सितंबर तक पंजाब दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, किसानों के घोषणा पत्र का करेंगे ऐलान। कश्मीर के शांतिपूर्ण समाधान के बीच हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सलाहुद्दीन ने फिर उगला जहर, कहा घाटी को भारतीय सैनिकों की कब्रगाह बना दूंगा।